हे एवरीवन, वेलकम बैक एंड स्वागत है सभी का फिर से एक और नए क्लैश ऑफ क्लैंस के एपिसोड में। दोस्तों, क्वेरीज बहुत है, क्वेश्चंस बहुत है, लोग बहुत ज्यादा ये सवाल कर रहे हैं कि भाई नया इवेंट कब आएगा। मतलब आपको तो पता ही होगा, कैलेंडर में शो कर रहा था कि 11th ऑफ सितंबर नया इवेंट शुरू होगा। आज 12th सितंबर हो चुका है, अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। और बहुत सारे वीडियोस में कमेंट्स में चेक कर रहा था, इंस्टा में भी मेरे को कुछ लोगों ने पूछा कि भाई जो अपडेट आया है नया वाला, जिसमें नए मैजिक आइटम्स आए हैं, चेस्ट ओपन वाला सीन आया है, वो आएगा कब और वो क्या हुआ उसका। तो गाइज, अगर आपको नहीं पता तो मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। पहली बात, ये जो नया इवेंट आ रहा है ये थोड़ा सा डिले हुआ है। अब इसके डिले होने का रीजंस तो बहुत सारे हैं, बग्स हैं, ग्लिचेस हैं, बट सबसे बड़ा बग और सबसे इम्पॉर्टेंट बग जो ये है कि जो मैजिक स्नैक्स आप यूज़ कर रहे हो वो एंड नहीं हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये केक जो मैंने यूज़ किया था, ये मैंने आई थिंक कल यूज़ किया था, वीडियो में शायद आपने देखा था, बट अभी तक ये केक जो है वो चल रहा है। इवन कि अगर मैं आपको अपने सेकेंड अकाउंट में लेके जाऊँ तो उसमें मैंने दो मैजिक आइटम्स वहाँ पे मैजिक स्नैक्स एक्टिवेट किए थे और वो भी सेम दो दिन से चल रहे हैं। मेरा यहाँ पे बिल्डर बाइट जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। मतलब मेरे सारे बिल्डर्स जो है वो 2 times फास्ट हो गए हैं, तो मैं तो खुश हूँ। बट प्रॉब्लम यही है कि ये बग जब तक वो फिक्स ना कर सके क्लैश ऑफ क्लैंस वाले, तब तक वो अपडेट ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ऐसा हो जाएगा फिर मैजिक स्नैक्स जो है वो लोग यूज़ करते रहेंगे, तो उसमें नुकसान काफ़ी है क्लैश ऑफ क्लैंस का। अब जैसे मैंने बताया, दो मैजिक स्नैक्स है, ये जो ट्रीट वाला है ना भाई, ये ट्रेनिंग ट्रीट था, तो इससे ये है कि आपके आर्मीज जो है वो इंस्टेंट ट्रेन हो रहे हैं। अब इससे मुझे बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको दिखाऊं एक चीज़, एक ट्रिक दिखाता हूं, अगर आपके पास भी ये है तो आप इससे अनलिमिटेड डोनेशंस कर सकते हो। जैसे आप, मैंने अभी ये दो रिमूव किया और एक रिमूव करता हूं, दो ये मैंने तुरंत बना लिया भाई, तुरंत बना के मैंने यहां डोनेट कर दिया। और अगर वापस मैं वहां जाता हूं तो जो ड्रुइड्स मैंने माइनस किए थे वो भी तुरंत बन जाएंगे। और ये जो है ये ऑलमोस्ट 30-35 आवर्स हो गए हैं, चले जा रहे हैं। तो खुश तो हूँ मैं, बट मेरे को पता है बहुत लोग भी इस चीज़ का अब्यूज़ कर रहे हैं। बट जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होती, जब तक इस चीज़ का फिक्स नहीं होता, तब तक नया अपडेट जो, नया इवेंट जो है वो गेम में आएगा नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब गाइज, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं, मेरे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत जल्द हमें 1 lakh सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं। एंड उसी के साथ प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप लेके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, तो डू कंसीडर। चलिए अब एक दो अटैक लेता हूं, क्योंकि मेरे दो बिल्डर्स फ्री हो गए हैं, मुझे सुपर चार्ज लगाना है। अभी तक अगर अपडेट दूं तो मेरे स्कैटर्स लेवल 2 पे जा रहे हैं। एक इन्फर्नो, दो इन्फर्नो हो गए हैं, दो एक्सपोज हो गए हैं, और आज के वीडियो में आई थिंक मैं एक इन्फर्नो और सुपर चार्ज के लिए डालूंगा, जिसके लिए मुझे थोड़ी सी एलिक्सिर की ज़रूरत है। तो चलिए वही काम करते हैं, फटाफट अपने अटैक में चलते हैं। एंड गाइज, दो दिन से मैंने 320 मारा था, परसों 320 मारा, कल भी 320 मारा, बट आज मैंने एक अटैक मिस कर दिया अनफॉर्चुनेटली। तो हमारा जो, क्या बोलूँ मैं, अब तो वापस से रीसेट हो गया है हमारा जो स्ट्रीक है, बट कोई नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जब तक करेंगे नहीं तब तक लगे रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई कि जितने भी हमारे अटैक्स हैं बचे कुछ, एंड आने वाले टाइम में उनको हम ट्रिपल मार के आगे बढ़ते रहें। नाउ ये बेस मिला, ये बेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, मेरे को लग रहा है ये बेस मैं पहली बार देख रहा हूँ। ओके, ओके ठीक है, एक प्लान है मेरे पास, लेट्स सी क्या होता है। ओके लेट्स गो, पहले यहाँ पे थोड़े से स्नेकी गॉबलिन्स आ जाएंगे, देन यहाँ पे आएगा हमारा वार्डन, थोड़ा वार्डन अभी सेफ है तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ चीज़ करने की, थोड़ा चेक करते हैं। यहाँ पे एक और स्नेकी आ जाएगा, ओके वार्डन अभी भी सेफ है। नाउ 1, 2, 3 एक रेज करेंगे अर्ली, परफेक्ट। एम है स्कैटर पे फायरबॉल करना है, ठीक है, ओके नाउ लेट्स डू दिस एंड दिस, परफेक्ट नाइस। अब क्वीन आ जाएगी, ये आ जाएगा, आइस गोलम आ जाएगा, दोनों रूट्स आ जाएंगे, ईच बैरक आ जाएगा यहाँ पे, अप्रेंटिस दो आ जाएंगे। अच्छा, मेरा आइस गोलम थोड़ा सा बाहर चला गया, बट इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा, ऑफ द किंग, परफेक्ट नाइस।
ठीक है, दो ड्रिड और ऐड करेंगे, पॉइजन कर देंगे इन चीज़ों को। लेट्स जंप। अरे किंग साइड में चला गया, ओहो। हाँ किंग वापस आ रहा है, दैट्स गुड। आने देते हैं, आरसी आ जाएगी यहाँ पे, कपल ऑफ ड्रिड्स और दो हेड एंटर्स यहाँ से, वे फाइन। किंग थोड़ा और आगे आएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द अर्थक्वेक, स्टॉप द फ्रीज। फाइनल के दो ड्रुइड्स ऐड हो जाएगा। वार्डन हो जाएगा यहाँ इनविज, स्ट्रेच दिस, फ्रीज दिस। ओके वे फाइन गाइस, वे फाइन, सही जा रहे हैं। नॉइस, विजर्ड्स आ जाएंगे इस तरफ से, और सी की एबिलिटी ले लेते हैं, देन लेट्स ड्रॉप दिस एंड बस। बहुत ही इजीली कंफर्टेबली हमने इस बेस को क्लियर कर लिया। एक अटैक मैंने मिस कर दिया यार, बट ना जब से मैं अर्थक्वेक बूट्स पे शिफ्ट हुआ मैंने एक भी सिंगल अटैक ड्रॉप नहीं किया था, बट उस अटैक में प्रॉब्लम ये हुआ था कि मेरा वार्डन मर गया था जब फायरबॉल किया मैंने, तो उसकी वजह से अटैक स्लो हो गया एंड टाइम फेल हो गया। तो कोई नहीं, ठीक है, हिट रेट से मैं इतना खुश हूँ ना, मेरे को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। बट चलिए फटाफट एक और अटैक करते हैं, आई थिंक मुझे एक और अटैक चाहिए होगा इन्फर्नो लगाने के लिए। देन मैं एक रून है उसको भी कैश करूंगा, और मेरे पास काफ़ी सारे जो मेडल्स बचे हुए हैं वो मैं डायरेक्टली पंप कर रहा हूँ अपने बिल्डर पोशंस पे, ताकि मैं जल्द से जल्द अपने सारे ये लगा दूँ, क्या नाम है इनका, सुपर चार्ज। और डिफेंस मिल रहे हैं गाइस, डिफेंस मिल रहा है, परसों मुझे 43 मिला था, कल मुझे 41 मिला, तो डिफेंस मिल रहे हैं। कोशिश यही करनी है कि डिफेंस को इकट्ठा करते जाएं एंड सीजन हाई पुश करें जितना हो सके हाई। बट चलिए अब फटाफट नेक्स्ट अटैक पे चलते हैं। ओके सो गाइस, ये एक और बेस मिला है हमें, और ये बेस भी थोड़ा सा आई थिंक नहीं, ये बेस भी मैंने इतना देखा नहीं है। लोग अब शायद से पुराने बेसेस हटा के नए बेसेस सेट करना शुरू कर चुके हैं लोग, बट कोई नहीं, एक प्लान है मेरे पास। आई थिंक वी विल गो फ्रॉम दिस साइड, यहाँ पे एक दो तीन ये थोड़े से क्लियर करते हैं, देन लेट्स ड्रॉप द वार्डन। ठीक है, अभी ज़्यादा डैमेज नहीं है वार्डन पे। ओके 1 2 3, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। रेज स्टार पे मुझे फायरबॉल करना है, दिस दिस एंड अप अप, मिस हो गया थोड़ा सा, कोई नहीं, ठीक है ठीक है, रिलैक्स, वार्डन बचा है ना, दैट्स दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग गाइस। चलो रुको थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, एक दो थोड़ा वेट करते हैं वरना किंग बाहर आ जाएगा। हाँ अब ठीक है, ओके अब ठीक लग रहा है। अरे मेरे पास पॉइजन क्यों नहीं है, व्हाट द हेल, तीन अर्थक्वेक्स है मेरे पास, ठीक है, बट ऐसा हुआ कैसे। लेट्स जंप, दो और सेंड करूंगा। ओके नाउ लेट्स ड्रॉप द रेज, फ्रीज दिस, आरसी आ जाएगी यहां से, किंग एबिलिटी परफेक्ट, नाइस, किंग के साथ रेज आएगा, नाइस 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 नाइस, वी गोइंग गुड, गोइंग फाइन। यहाँ पे दो ये आ जाएंगे, ठीक है, हेड हंटर्स इनवेज, ओके वे फाइन गाइस, वे फाइन, थोड़ा सा स्पिन कर रहे हैं, बट लेट्स पॉप अप द फीन एबिलिटी, फ्रीज दिस, आरसी एबिलिटी, ओके स्कैटर मिल जाए बस, कम ऑन क्वीन, यस नाइस। इन्फर्नो नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आरसी जो है वो अच्छे हेल्थ में बची हुई है, तो मल्टी आई डोंट थिंक कि, ओ एक शॉट, यस ख़त्म। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा फंसेंगे हम, बट ऐसा नहीं है, आराम से कंप्लीट हो रहा है। क्वीन बची है, किंग बचा है, आरसी तो फुल हेल्थ में बची है, लेट्स गो गाइस। ओके सो आज को एक बूट्स के साथ जैसे मैं बताया कि फेल तो हो नहीं रहे थे, बट एक अटैक मैंने अनफॉर्चुनेटली फेल किया, बट कोई नहीं, ठीक है। एम यही है कि सारे अटैक्स
लेते रहने हैं, पुश करते रहना है, डिफेंस का जो होगा देखा जाएगा, बट जल्दी सुपर चार्ज को लगाना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अब चलिए, ये जो एक और इन्फर्नो बचा था उसको मैंने सुपर चार्ज पे लगा दिया। नाउ अब मेरे पास एक गोल्ड रून है, उसको मैं यहाँ पे कैश कर लूँगा, परफेक्ट, और उसको मैं यहाँ पे डालूँगा एक और सुपर चार्ज पे। अच्छा, इन्फर्नोस तो ये वाला इन्फर्नो थोड़ा सस्ता है, लेवल वन पे ज़्यादा लगता है रिसोर्स, लेवल टू पे कम लगता है। एक्सपो पे डालते हैं, हाँ 10 मिलियन लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बिल्डर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं पोशंस मार रहा हूँ, इसका मतलब है इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। लेट्स ड्रॉप सम मोर पोशंस, परफेक्ट, सारे पोशंस डाल दिए हमने यहाँ पे, एंड आई होप कि जल्दी हो जाएगा। मैं मेडल से थोड़े से और उठा लेता हूँ बिल्डर पोशंस, अब ज़्यादा बचे नहीं है मेरे पास मेडल्स, 124 ही बचे हैं, बट कोई नहीं, अभी मुझे मेडल्स की खास ज़रूरत भी नहीं है। और नेक्स्ट CWL से हम सेव करना शुरू कर देंगे फॉर टाउन हॉल 17 जब आएगा, आई थिंक और 3-4 महीने तो लगेंगे ही, 3-4 महीने नहीं, एटलीस्ट 3 महीने तो लगेंगे, बट कोई नहीं, आज के लिए इतने ही रखते हैं गाइस। आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी, प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक करें, और देखते हैं अभी कब तक आएगा, अभी तक कोई इवेंट का यहाँ पर डाला भी नहीं गया इवेंट सेक्शन में, तो मुझे लगता है कि मे बी अगर आज आता है तो लेट इन द इवनिंग या फिर कल शायद आए, वो बताना थोड़ा सा टफ है, बट फिर भी यही अज्यूम करके चल रहे हैं। तो मिलूंगा गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलें एज ऑलवेज, जय हिंद, बाय।